जय भीम साथियों, अमेरिका में जाति के खिलाफ चल रही लड़ाई में बड़ी कामयाबी मिली है। आज रात आप जब भारत में सो रहे थे तब अमेरिका में इतिहास रचा जा रहा था। अमेरिका में एंटी कास्ट मूवमेंट को ऐसी कामयाबी मिली है जिसका हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। कैलिफोर्निया राज्य के एंटी कास्ट बिल SB 403 को कैलिफोर्निया की असेंबली ने भी पास कर दिया। स्टेट असेंबली में हुई वोटिंग में SB 403 के पक्ष में 50 वोट पड़े जबकि विरोध में सिर्फ 3 वोट डाले गए। Members, I'm pleased to present SB 403 on behalf of Senator Wahab. SB 403 is a groundbreaking measure which clarifies that caste discrimination will not be tolerated in California. Thank you, Senator Conway. All those vote for desire to vote. All those vote for desire to vote. SB 403 को 50-3 से पास कर दिया गया। बड़ी बात ये रही कि असेंबली के ज्यादातर सदस्य बिल के पक्ष में थे। डेमोक्रेट से लेकर रिपब्लिकन तक ज्यादातर सदस्यों ने जाति के खिलाफ बन रहे इस कानून का समर्थन किया। एलेक्स ली जैसे सीनेटर्स ने तो साफ साफ कह दिया कि जाति की समस्या का हल करना बहुत जरूरी है। Caste discrimination has no place in California. Every Californian, regardless of their social status, deserves to live with dignity and respect. And California has a strong history of protecting those most vulnerable. This bill today and the amendments clarifies existing law that caste discrimination is not allowed, is not legal. जैसे ही ये खबर सामने आई, असेंबली के बाहर मौजूद अंबेडकरवादियों का जोश हाई हो गया। कोई नाचने लगा तो कोई जय भीम के नारे लगाने लगा। Members, I'm pleased to present SB 403 on behalf of Senator Wahab. SB 403 is a groundbreaking measure which clarifies that caste discrimination will not be tolerated in California. Protection against caste discrimination will be added into the Fair Employment and Housing Opportunity Act, the Unruh Civil Rights Act, and the Education Code. पूरे कैलिफोर्निया में जश्न का माहौल है और अमेरिकी इतिहास में इस घटना को बहुत बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बिल के कानून बनते ही कैलिफोर्निया में जाति के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी घोषित हो जाएगा। अब इस बिल को कैलिफोर्निया की सीनेट में दोबारा वोटिंग के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि बिल में कुछ संशोधन हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं और जो ये नया बिल है SB 403, इस पर सीनेट में फाइनल कंक्रेंस वोट पड़ेंगे और फिर इस बिल को कैलिफोर्निया के गवर्नर के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाएगा। जैसे ही गवर्नर इस बिल पर साइन करेंगे, ये कानून बन जाएगा और पूरे कैलिफोर्निया में लागू हो जाएगा। यानी जल्द ही कैलिफोर्निया अमेरिका का पहला राज्य बन जाएगा जहां जाति के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी घोषित हो जाएगा। जाति को प्रोटेक्टेड कैटेगरी का स्टेटस मिल जाएगा और फिर अगर किसी भी साउथ एशियन व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव किया तो उसे जाति सूचक शब्द कहे या फिर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, उसके साथ स्कूल, कॉलेज, मॉल, दफ्तर में किसी जगह पर भी भेदभाव किया तो उसे कैलिफोर्निया की जेल में जाना पड़ेगा। कैलिफोर्निया की जेल जातिवादियों का इंतजार कर रही है। जातिवादियों को लगता था कि भारत की तरह ही वो अमेरिका में भी जातिवाद कर लेंगे और बच जाएंगे, लेकिन अब एंटी कास्ट लॉ SB 403 के तहत उन्हें कैलिफोर्निया की जेल में जाना पड़ेगा। नौकरी भी जा सकती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएंगे और फिर अमेरिका से उन्हें तड़ी पार भी कर दिया जाएगा, यानी धक्के देकर उनको वहां से भगा दिया जाएगा। वहां ना थानेदार तुम्हारी जाति का होगा, ना वकील तुम्हारी जाति का होगा और ना ही तुम्हारी जाति का जज तुम्हें मिलेगा। इसलिए सुधर जाना ही बेहतर है, इंसान बन जाओ वरना कीमत चुकानी पड़ेगी। Caste discrimination has no place in California. Every Californian, regardless of their social status, deserves to live with dignity and respect. And California has a strong history of protecting those most vulnerable. This bill today and the amendments clarifies existing law that caste discrimination is not allowed, is not legal. कैलिफोर्निया में बनने जा रहे इस कानून SB 403 को अफगानी मूल की सांसद आयशा वहाब के साथ वहां बसे तमाम अम्बेडकरवादियों ने पेश किया था।
इस लड़ाई में आयशा वहाब की भी तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने जबरदस्त हिम्मत दिखाई, उन्हें परेशान किया गया, धमकी दी गई, यहां तक कि उनके दफ्तर के बाहर जो अमेरिका में बसे सवर्ण हिंदू हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, उन्हें हिंदू फोबिक कहकर बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वो डटी रही। इसलिए आज उनकी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि ये जो कामयाबी मिली है, जो SB 403 को असेंबली ने पास कर दिया है, ये अमेरिका में दशकों से चल रहे एंटी कास्ट मूवमेंट की सफलता है, क्योंकि वहां बसने वाले अंबेडकरवादी पिछले कई सालों से जाति के खिलाफ कानून बनाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। जो भी भारत से वहां जाने वाले लोग थे, जिसमें सवर्ण ज्यादातर थे, उन्होंने जातिवाद किया, और जो दलित बहुजन समाज के बैकग्राउंड के लोग थे वो उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इसलिए इस कानून को ग्लोबल एंटी कास्ट मूवमेंट की कामयाबी माना जाना चाहिए। जाति विरोधी आंदोलन में माता सावित्रीबाई फुले और माता रमाबाई अंबेडकर की बेटियों ने भी कमाल कर दिया। इस आंदोलन की खूबसूरती ये भी रही कि इसे महिलाएं ही लीड कर रही थी। हमारी वंडर वुमेन्स जो हैं वो इक्वालिटी के लिए वहां पर आंदोलन कर रही थी। इक्वालिटी लैब की तन्मोई सुंदरराजन जैसी बहुजन महिलाओं ने जातिवादियों के छक्के छुड़ा दिए। I am a caste suppressed Californian and a proud member of the Californians for Caste Equity Coalition. All my life I have experienced caste. I was bullied in school, have faced threats of deep violence, and even fled to a safe house because bigots threatened me and my family for speaking out about this issue. But my story is just one of thousands of testimonies shared with legislatures on this urgent issue. कैलिफोर्निया में बसने वाले रविदासिया समुदाय के योगदान को भी खास तौर पर याद किया जाना चाहिए। SB 403 को कामयाब बनाने में रविदासिया कम्युनिटी ने भी दिन रात एक कर दिया। चाहे गुरु घरों में सभाएं कराना हो या फिर बिल के समर्थन में आने वाले लोगों के लिए लंगर लगाना हो, रविदासिया कम्युनिटी ने कैलिफोर्निया को गुरु रविदास के सपनों का बेगमपुरा बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। गुरु रविदास कहते हैं, मानुषता को खात है रैदास जात का रोग, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, भारत के लोग दुनिया में जहां भी जाएंगे जाति की बीमारी को साथ ले जाएंगे और फिर जाति एक वैश्विक समस्या बन जाएगी। हमारे महापुरुषों ने जो चिंता जाहिर की थी, आज वही जाति की बीमारी पूरी दुनिया के लिए एक समस्या बन गई है। लेकिन हमारे पुरखों के एंटी कास्ट मूवमेंट को उनके वंशज पूरी दुनिया में चला रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एंटी कास्ट बिल SB 403 का असेंबली से पास होना इसी महान आंदोलन का हिस्सा है। अब कैलिफोर्निया में जातिवाद करने वालों पर कानून का डंडा चलेगा और फिर जल्द ही पूरे अमेरिका में भी एंटी कास्ट लॉ बन जाएंगे। पहले सिएटल, अब कैलिफोर्निया और फिर पूरा देश अमेरिका। यानी कैलिफोर्निया तो झांकी है, अभी पूरा अमेरिका बाकी है। इस ऐतिहासिक जीत पर अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, इक्वेलिटी लैब, रविदासिया कम्युनिटी ऑफ सैक्रामेंटो, अंबेडकर किंग स्टडी सर्कल USA, एशियन पैसिफिक अमेरिकन लेबर अलायंस, सिख कोलेशन, जकार्ता मूवमेंट, साउथ एशियन नेटवर्क, हिंदूज फॉर कास्ट इक्विटी, सिख अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड, अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन एंड टेक यूनिटी कोलेबरेटिव जैसे तमाम न्याय पसंद संगठन बधाई के पात्र हैं। अमेरिका में बसी हमारी रविदासी और अंबेडकरवादी कम्युनिटी पर हमें गर्व है। दुनिया भर के अंबेडकरवादी आपके आंदोलन से सीख लेंगे और दुनिया के हर उस मुल्क में एंटी कास्ट कानून बनवाएंगे जहां जहां भारत से जाकर बसे लोग दलितों के साथ जातिवाद करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि मनुस्ट्रीम मीडिया के लोग इतनी बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी पर कोई डिबेट नहीं कर रहे, कोई शो नहीं बना रहे, लेकिन आपके जैसे जो दर्शक हैं उनके लिए द न्यूज़ वीक लगातार इस घटना को कवर कर रहा है। इसलिए आप ही हमारे प्रमोटर हैं, आपको ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि मदद के बिना मुमकिन नहीं हो पाता कि लगातार अंबेडकरवादी पत्रकारिता जारी रखी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। एक छोटी सी अपील साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358878
00000640। आईएफएससी कोड है SB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।